ये नियमावली 100% स्टे लगेगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ विश्वासघात किया, एस्टेट 19 फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था। इन्होंने सबसे पहले 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया, फिर 21 जून को रिजल्ट जारी किया, फिर 26 का एक लेटर दिया, सबको नौकरी के नाम पे इन्होंने क्या दिया, बिहार बीपीएससी दिया। बिहार बीपीएससी में क्या दिया, दो दो एग्जाम दिया। आज भी बीपीएससी जो लाया है वो बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ धांधली करवाने के लिए लाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं आपको आज तक जो मिला हूँ सड़क पे मिला हूँ, मैं पीछे कदम हटाने वाला नहीं हूँ। मुझे नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, चंद्रशेखर यादव जी से और इनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, मैं उनसे जवाब चाहता हूँ कि आपने जो विश्वासघात किया है, जिस तरह से आपने लाठी चार्ज किया है, उसका जवाब हमको चाहिए। और जो हमारे साथी का एज बाउंड्री लाइन को पार कर गया, 10 साल उस समय भी एज रिलैक्सेशन दिया गया, उन सारे साथियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने हर एक अभ्यर्थियों का खून के आपने आंसू रुलाए हैं। लगातार हम लोग आज डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं, इसका जवाब नहीं कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी ने किस जन्म का हम सारे अभ्यर्थियों से बदला लिया? उनका जवाब इनको माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ेगा, और माननीय उच्च न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है शुभम जी कि हमको अधिकार और हक मिलेगा। क्यों आप विश्वासघात कर रहे हैं? आपने हमेशा से हम सारे अभ्यर्थियों के साथ छल किया है, प्रपंच किया है, खून के आंसू रुलाए, इसका श्राप आपको पड़ेगा। आने वाला जो इलेक्शन है 23-24 का इलेक्शन, उसमें आपको दिखाई भी पड़ेगा। 24 का जो इलेक्शन है विधान लोकसभा का और 25 का जो विधानसभा का इलेक्शन में आप दोनों पार्टी का समूल नाश हो जाएगा। मैं ले किया था कि आपकी राजनीतिक रोटी आप सेक सके, अभ्यर्थियों को लड़ा सके, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जा सके। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है, और इसी राजनीति का जवाब आपको कोर्ट में मिलेगा। आपने जिस तरह से हम लोग के जीवन के साथ खेला है, इसका एक एक हिसाब होगा, इस बात को समझ लीजिए। कल के डेट में फिर इनकी सरकार बदलेगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, नीतीश बाबू वहां पे रहेंगे, फिर ये कहेंगे कि मैं यूपीएससी से लूंगा। जो हमारे निर्दोष साथी जो सलाखों के पीछे महीनों रहे, जो निर्दोष साथी हॉस्पिटलाइज हुए, उसका भी हमको बिहार सरकार से जवाब चाहिए। और मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड आउट नहीं है, महागठबंधन में जो आए हैं आज, ये महागठबंधन को भी बर्बाद करने के लिए आए हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन कर दिया, एक पैचअप कर दिया, और इसी सीट पे नियोजित वाले को भी लड़ा रहे हैं। मैं प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यही रंजीत कुमार जी आज गुजरात कैडर चले गए हैं, मैं रंजीत कुमार से भी पूछना चाहता हूँ, जब एग्जामिनेशन वो इतना बड़ा एग्जामिनेशन उसमें ये धांधली करवा देते हैं, क्या नीतीश कुमार जी को पता नहीं है, अतुल प्रसाद जी को पता नहीं है? आपका एग्जामिनेशन पैटर्न से ज्यादा आप लोग के अंदर में कालापन रहता है, मुंह में कुछ, सामने कुछ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ। आज जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं अतुल प्रसाद जी से, अतुल प्रसाद जी इस बात को क्लीन चिट करेंगे, इतने लोगों को हम नौकरी दे देंगे इतने टाइम में, इनके इनका कोई डेडलाइन नहीं। यही 2019 के विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने दो दो एग्जाम को, इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम को कैंसिल करवाया, फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम लिया। सापूर्ण शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, अरे आप ही की सरकार थी साहब, माननीय महोदय साहब, आप ही ने 2007 से यह नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ किया। आज आपको लगने लगा कि सातवां चरण के अभ्यर्थी ने आवाज उठा दिया, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का विरोध कर रहा है, तो भाई चलो सारे अभ्यर्थियों को इसके साथ गठजोड़ कर दो। विजय कुमार चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ साहब, 1 महीना 10 दिन जब आपका सदन चल रहा था, तो मुंह पे क्या आपका वो सील पट लग गया था? वहाँ पे भी तो आप बोल सकते थे कि हम बीपीएससी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, वहाँ पे तो आपके मुंह में टिप क्वाइट लग गया था। आप ही ना 12 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इतने लोग पास हैं 24,599, उनकी नौकरी पक्की, तो फिर कच्ची कैसे हो गई? देखिए साक्षात्कार बिहार में सबको पता है किस लिए लिया जाता है, साक्षात्कार का अभी तक का रिजल्टेंट इस बात को समझिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी इस बात को समझ रहे, इसके चाल और चरित्र को समझिए, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और फिर शो करेंगे कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में नई शिक्षक नियमावली आती है और इसको लेकर काफ़ी जगहों पर विरोध दर्ज किया जाता है, विरोध किया जाता है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह लगातार इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि जो एस्टेट 2019 पास अभ्यर्थी हैं वह भी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। और आपने देखा है कि बिहार की राजधानी पटना में कई ऐसे जगहों पर आंदोलन किया गया, छात्रों को पीटा भी गया, उन्हें जेल में डाला गया, पर उनकी मांग जो है अभी तक पूरी नहीं की गई। मेरे साथ स्टेट 2019 क्वालिफाई बंटी जी हैं। बंटी जी, अपनी मांग को लेकर आप लोग तो लगातार आवाज़ उठा ही रहे हैं, अब आप लोगों ने कोर्ट में एक केस भी दर्ज कर दिया है, क्या कुछ बताइए कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको क्या संदेश होगा, क्या क्या आगे प्रक्रिया चल रही है? सबसे पहली बात, द बिहार टॉप और आपकी पूरी टीम को शुभम भाई एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले भी एसटीईटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं और वर्तमान में भी आप कवर कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो लड़ाई है बहुत आने वाले टाइम में बहुत लंबी खींची जाएगी।
इस लड़ाई के खिलाफ में आप लगातार बहुत ही प्रखरता और बहुत ही प्रमुखता से आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। मैं बिहार के 2900 जिला के अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, साथियों जिस तरह से सरकार ने हम लोगों के साथ ये लड़ाई का एक जो माध्यम चुना, जिस तरह से इन्होंने स्टेट 19 के साथ इन्होंने जो मतलब कुठाराघात विश्वासघात या कई पीठ में खंजर मारने का काम किया, जिस तरह से इन्होंने 4 साल हमारे जीवन का अमूल्य बर्बाद कर दिया, इसी के खिलाफ हम लोग कोर्ट में मूव किए हैं। और मैं आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि इस न्यायालय पे हमको अधिकार और हक हमको मिलेगा और इस लड़ाई को हम लगातार अब कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, और ये नियमावली 100% स्टे लगेगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ विश्वासघात किया, एस्टेट 19 फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था। इन्होंने सबसे पहले 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया, फिर 21 जून को रिजल्ट जारी किया, फिर 26 का एक लेटर दिया और लगातार हम लोग को हमेशा से बोला कि हम नियोजन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लेके जाएंगे और हम सबको नौकरी देंगे। लेकिन सबको नौकरी के नाम पे इन्होंने क्या दिया? बिहार बीपीएससी दिया। बिहार बीपीएससी में क्या दिया? दो दो एग्जाम दिया। दोनों एग्जाम में एक एग्जाम में दोनों एग्जाम में इन्होंने निगेटिव मार्किंग रखा था, तो बाद में फिर इन्होंने पहला एग्जाम में निगेटिव मार्किंग हटा के सेकेंड एग्जाम में इन्होंने निगेटिव मार्किंग रख दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये अंतिम प्रक्रिया नहीं है, इसके बाद और भी प्रक्रियाएं होंगी, इसका मतलब इंटरव्यू भी ये लागू करेंगे। कल के डेट में फिर इनकी सरकार बदलेगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, नीतीश बाबू वहां पर रहेंगे, फिर ये कहेंगे कि मैं यूपीएससी से लूंगा। तो ये प्रक्रिया को हमको किसी न किसी तरीके से रोकना है और मैं सरकार से ये जवाब चाहूंगा, 4 साल से जिस तरह से आपने हम लोग को खून के आंसू रुलाए, जिस तरह से आपने सड़क पर हम लोग के ऊपर में अत्याचार किया, जिस तरह से बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों का विश्वासघात किया, उसका हमको जवाब चाहिए। और सबसे पहली बात, जो हमारे निर्दोष साथी जो सलाखों के पीछे महीनों महीनों रहे, जो निर्दोष साथी हॉस्पिटलाइज हुए, उसका भी हमको बिहार सरकार से जवाब चाहिए। और मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल द बिहार टॉप के माध्यम से, नीतीश कुमार जी आपका कोई स्टैंड आउट नहीं है, आपने कभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। और मैं बोलता था शुभम भाई, जब जब आप हमको कवर करते थे, मैं बोला करता था इस नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड आउट नहीं है। महागठबंधन में जो आए हैं आज, ये महागठबंधन को भी बर्बाद करने के लिए आए हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन कर दिया, एक पैचअप कर दिया और इसी सीट पे नियोजित वाले को भी लड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले इन्होंने बोला 3 लाख सीट है, फिर इन्होंने बोला 1.5 लाख सीट है, फिर इन्होंने बोला 1.25 लाख सीट है, आज कह रहे हैं 1,70,000 सीट है। 6 to 8 का सीट कहां चला गया, जिसमें जो सीट है वो दिव्यांग के लिए 1745 सीट है, सारे सीट कहां चले गए? 6400 जो इन्होंने विद्यालय खोल के रखा है, वो सारे विद्यालय में आज सीट खाली पड़ा हुआ, हाई स्कूल और प्लस टू में, उनके लिए सीट कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास यही चीज करना था, बिहार बीपीएससी से लाना था, तो मैं बीपीएससी के बारे में आता हूं। और अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, यही रंजीत कुमार जी आज गुजरात कैडर चले गए हैं, मैं रंजीत कुमार से भी पूछना चाहता हूं, जब एग्जामिनेशन वो इतना बड़ा एग्जामिनेशन उसमें ये धांधली करवा देते हैं, क्या नीतीश कुमार जी को पता नहीं है? अतुल प्रसाद जी को पता नहीं है? सब पता है, सबको पता है। आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी इस बात से डरते हैं, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न से ज्यादा आप लोग के अंदर में कालापन रहता है, मुंह में कुछ, सामने कुछ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ, और बिहार के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। एग्जामिनेशन इसलिए लाया गया है कि जो अभ्यर्थी 7वां चरण के लेकर आवाज उठाते रहते थे, इन सबको हम बाहर कर सके। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, आज जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं अतुल प्रसाद जी से, अतुल प्रसाद जी इस बात को क्लीन चिट करेंगे कि इतने लोगों को हम नौकरी दे देंगे इतने टाइम में? इनके इनका कोई डेडलाइन नहीं। यही 2019 के विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने दो दो एग्जाम को इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम को कैंसिल करवाया, फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम लिया। मैं खुद भागलपुर से आके 225 किलोमीटर अपना खुद का गाड़ी रिजर्व करके उस कोरोना काल में सितंबर में एग्जाम दिया था, 9 से 21 सितंबर में। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय भी तो आपने यही बात बोला था कि जो लोग पास होंगे एक आयोग के माध्यम से, उस समय बीपीएससी के ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आपने बोला था कि जो लोग पास करेंगे उसकी नौकरी सुनिश्चित है, तो फिर ये आखिर आज बीपीएससी लाने का क्या औचित्य पड़ गया? और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, अरे आप ही की सरकार थी साहब, माननीय महोदय साहब, आप ही ने 2007 से यह नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ किया। आज आपको लगने लगा कि 7वां चरण के अभ्यर्थी ने आवाज उठा दिया, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का विरोध कर रहा है, तो भाई चलो सारे अभ्यर्थियों को इसके साथ गठजोड़ कर दो। और नियोजित शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा था? नियोजित शिक्षकों का आपका अलग रूल और मापदंड आप अपनाते। आज जो 2000
6 नियमावली है, 2008 नियमावली है और 12 नियमावली है, बिहार गजट है, और जो 20 का जो नियमावली है और जो 23 का जो नियमावली लाया, मैं पूछना चाहता हूँ एक भी नियमावली इनके साथ मिलता है? कहीं नहीं मिलता। और ये नियमावली इसलिए लाया है ताकि ये कहीं ना कहीं बता सके और बिहार में ये जता सके कि हम करने जा रहे थे, अभ्यर्थी जबरदस्ती से कोर्ट चले गए। अरे साहब, आप 4 साल में आपने एक बार नहीं, कई बार आपने पार्टी बदला, और जो पार्टी में लोग बैठे हुए थे, शरद यादव बैठे हुए थे, जॉर्ज फर्नांडिस बैठे हुए थे, आरसीपी सिंह, आप देख रहे हैं ज्वलंत उदाहरण, आपने किसको छोड़ा है साहब? आपने किसी को नहीं छोड़ा। और विजय कुमार चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं साहब, 1 महीना 10 दिन जब आपका सदन चल रहा था तो मुंह पे क्या आपका वो सील पट लग गया था? वहां पे भी तो आप बोल सकते थे कि हम बीपीएससी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, वहां पे तो आपके मुंह में टिप क्वाइट लग गया था। आप ही ना 12 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि इतने लोग पास हैं, 24,599 उनकी नौकरी पक्की, तो फिर कच्ची कैसे हो गई? 12 विषय में तो कहीं कोई लूपहोल नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ, आज भी बीपीएससी जो लाया है वो बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ धांधली करवाने के लिए लाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं आपको आज तक जो मिला हूं सड़क पे मिला हूं, आप लोग को ज्ञापन दिया, 12 विधायक को मैंने ज्ञापन दिया, चाहे एमएलसी हो एमएलए हो, आपके पास गया मैं, तेजस्वी यादव जी से जब सरकार नहीं बनी थी उस समय जाके मिला था, मैं नीतीश कुमार जी से तिनपुलिया में मिला था, भागलपुर में रंगभूमि मेला मैदान में महागठबंधन का रैली हुआ था, वहां हमारी टीम गई थी, आपने हर जगह पे बोला कि शांत हो जाओ तो हम सबको करेंगे, सबको बहाली करेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्ट्रक्चर और राजनीतिक चरित्र और चाल हम सारे अभ्यर्थी जान चुके हैं, इसलिए हम लोग उच्च न्यायालय में बढ़ रहे हैं, और उच्च न्यायालय से आपको हमको पूरा यकीन है कि हमको न्याय मिलेगा। मान्य, मैं ये कोर्ट फाइल कर दिया हूं, ई फाइलिंग हो चुकी है, टोकन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद केस नंबर भी हमको मिल जाएगा, मैं आपको कोर्ट में मिलूंगा और सारे नियमावली के साथ जितना भी नियमावली अभी आपने बहाल किया है एक एक चीज को आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस केस को मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं मान्यवर, और मैं आपको बता देता हूं मैं पीछे कदम हटाने वाला नहीं हूं। मुझे नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, चंद्रशेखर यादव जी से और इनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि आपने जो विश्वासघात किया है, जिस तरह से आपने लाठीचार्ज किया है, उसका जवाब को चाहिए। और जो हमारे साथी का एज बाउंड्री लाइन को पार कर गया 10 साल, उस समय भी एज रिलैक्सेशन दिया गया, उन सारे साथियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने हर एक अभ्यर्थियों का खून के आपने आंसू रुलाए हैं, लगातार हम लोग आज डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं, इसका जवाब नहीं कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी ने किस जन्म का हम सारे अभ्यर्थियों से बदला लिया? उनका जवाब इनको माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ेगा, और माननीय उच्च न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है शुभम जी कि हमको अधिकार और हक मिलेगा। जी शुभम जी, सवाल रखिए। न्यायिक, आपने केस दर्ज कर दिया, अभ्यर्थियों का कितना साथ मिल रहा है, अभ्यर्थी कितना साथ दे रहे हैं? देखिए, हमारे कुछ साथी हमको जरूर साथ दिए हैं, थोड़ा बहुत हमको सहयोग भी मिला है, लेकिन जो बड़ा अमाउंट है वो मैंने पेड कर दिया है। और बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, आपके इस लड़ाई के आवाज़ को मैं अब रोकूंगा नहीं, मैं इस लड़ाई का आवाज़ और आगाज़ मैंने प्रारंभ कर दिया है। पैसे का जहाँ तक बात है, मैंने पैसा कभी नहीं मांगा किसी भी अभ्यर्थी से, जो जिनको बना है वो सहयोग किए हैं, जो पेटिशनर हैं उनको, उन्होंने जो हुआ जहाँ तक हुआ सहयोग किया, लेकिन जो मोटा रकम है, बड़ा हैप्पी अमाउंट है, वो मैंने पेड करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं बोला करता था जब जब पटना की धरती पे आपको पता है आंदोलन हुआ, मैं मेरा जीवन और मौत भी एक बार आते आते बचा था सचिवालय में, जब सचिवालय में आगजनी हुआ था, लाठी चार्जेस हुए थे, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, उस दिन इन्हीं के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था अपने शिक्षा विभाग के अकाउंट पे कि हम नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे, उस दिन जवाब दे देते कि हम भी बीपीएससी से लेंगे, आप तो उस समय मौजूद थे साहब। नीतीश कुमार जी, क्यों आप विश्वासघात कर रहे हैं? आपने हमेशा से हम सारे अभ्यर्थियों के साथ छल किया है, प्रपंच किया है, खून के आंसू रला, इसका श्राप आपको पड़ेगा। आने वाला जो इलेक्शन है 23-24 का इलेक्शन, उसमें आपको दिखाई भी पड़ेगा। 24 का जो इलेक्शन है विधान लोकसभा का और 25 का जो विधानसभा का इलेक्शन में, आप दोनों पार्टी का समूल नाश हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने जिस तरह से हम सारे अभ्यर्थियों को रुलाया है, जिस तरह से आपने सारे अभ्यर्थियों को डिप्रेशन में लाया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप बीपीएससी से आप कहते हैं हम फेयर एग्जाम लेने वाले हैं, इस एग्जामिनेशन को हम 100% करने वाले हैं, ये सब ड्रामाबाजी बंद कीजिए, आप नियोजित कीजिए हम लोग को पहले, नियोजित आप नहीं कर सकते तो ये आडंबर मत कीजिए। आपकी राजनीति को हम लोग समझ चुके हैं नीतीश कुमार जी, इस बात को समझ लीजिए। और मैं तेजस्वी यादव जी को भी कहूंगा, अविलंब इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो आपके भी पार्टी का वही असर होगा जो आज कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी का हुआ, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने राजनीति करने पर हम लोग को मजबूर कर दिया, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इनकी क्या दुश्मनी, मैं पूछना चाहता हूं, ये जाते हैं कहां जाते हैं, पश्चिम बंगाल, ये जाते हैं उड़ीसा,
ये जाते हैं दिल्ली, ये जाते हैं यूपी, कभी बिहार के बेटों से जाके पूछे हैं उसके दर्द को, उसके उसके आंसू को, 1.5 लाख रुपया देके जब उन्होंने बीएड किया था, इसी दिन के लिए किया था कि आपकी राजनीतिक रोटी आप सेक सकें, आप बेटों को लड़ा सकें, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जा सकें। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है और इसी राजनीति का जवाब आपको कोर्ट में मिलेगा। आपने जिस तरह से हम लोग के जीवन के साथ खेला है, इसका एक एक हिसाब होगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है यही पी के शाही थे, महाराजगंज से लड़ रहे थे, वहां पे आपको औकात पता चल गया, यही औकात आपको इस बार के इलेक्शन में भी पता चलेगा। नीतीश कुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बोल रहा हूं, इस बार का जो इलेक्शन होगा वो निर्णायक होगा और मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से अगर नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान अभिलंब ना लिए तो इनको कोर्ट में जवाब मिलेगा। स्टे तो 100% लगेगा, इस बात को रखिए, और जजमेंट हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो भी साथी हमको साथ देंगे उनके साथ में बढ़ूंगा, नहीं तो मैं सिंगल बेंच पे सिंगल लड़ाई लेकर आगे बढ़ूंगा। जी शुभम जी, न्यायालय की बात आपने की, न्यायालय पे कितना भरोसा है? और एक और सवाल रहेगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जिस तरह से प्रारूप की बात की है कि ये अंतिम प्रारूप नहीं है, इसके बाद ही प्रारूप में बदलाव होगा, हो सकता है कहीं साक्षात्कार भी हो, इस पे क्या विचार है आप? देखिए, साक्षात्कार बिहार में सबको पता है किस लिए लिया जाता है, साक्षात्कार का अभी तक का रिजल्टेंट इस बात को समझिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी इस बात को समझ रहे, इसके चाल और चरित्र को समझिए, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और फिर सो करेंगे कुछ, इस बात को समझिए। मैं यही कह रहा हूं, कई सारे लूप पोल हैं, इनको नौकरी वोकरी देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति करना है, इस बात को समझिए। आपके सीट को हर तरीके से आज हर अभ्यर्थी, हर वर्ग का अभ्यर्थी, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हर क्यों जाना चाह रहा है कोर्ट, क्यों जाना चाह रहा है कोर्ट, क्योंकि इनके इन्होंने ऐसा मजबूर कर दिया, उनके जीवन के साथ इन्होंने छला है। ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब के सब एक ही सोच के इंसान हैं, ये कोई भी नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को धक्के खाने के लिए पटना के सड़कों पर, अपने शहरों में आज हमसे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा बिहार हमसे पूछ रहा है, क्या हुआ तुम्हारे नौकरी का, हम लोगों के साथ मजाक बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, आपने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री का सपना देख लिया, आपने तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का सपना देख लिया, लेकिन हम लोगों के बारे में कभी सोचा कि हमारी परिवार और हमारे जीवन के जो परिवार में और सदस्य उसका क्या होगा? आपने तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए येन पेन प्रकार अपना अपना नया 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 हर चीज में इंप्लीमेंट करते रहते हैं। आपने आज विधानसभा के सदस्य, एमएलसी के सदस्य के लिए आपने 35,000 का इंक्रीजमेंट कर दिया, लेकिन हम लोगों के लिए क्या किया? बीपीएससी ला दिया। बीपीएससी में क्या ला दिया? निगेटिव मार्किंग ला दिया। अरे यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन आपने बीपीएससी पे निगेटिव मार्किंग लाया। आपकी चाल और चरित्र को हम समझ चुके हैं, आप हम लोग को गुमराह मत कीजिए। और आप जो कह रहे हैं ये अंतिम प्रक्रिया नहीं, अतुल प्रसाद जी से भी ये कहना चाहूंगा, अतुल प्रसाद जी स्टैंड पहले क्लियर कर लीजिए, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, नहीं तो आपकी छिछला दर में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, आपके हर एक चाल चरित्र को हम लोग पकड़ बनाए हुए हैं। और इस बार का जो होगा ना, इस बार का जो सेशन होगा ना, वो आपको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे मिल जाएगा, इसका जवाब भी मिलेगा। मैं पूछना चाह रहा हूं अतुल प्रसाद जी से कि जो भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और एक अभी इन्होंने ट्वीट किया था अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने, कि जो लोग कोर्ट केस करेंगे, जो लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे, अरे भाई ऐसे भी हम लोग के पास क्या रहा पाने के लिए खोने के सिवा साहब, चार साल से तो हम लोग यही सुन रहे हैं, ये होगा वो होगा, और आपके चेयरमैन बदलते रहते हैं, अब बदल ही रहे हैं, जो इसके पहले अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, वो तो बदल के चले गए, कल आप भी चले जाइएगा दूसरे विभाग में, प्रोन्नति उन्नति हो जाएगा, हम लोग आज वहीं के वहीं हैं। हम लोग का जीवन का आपने जो टाइम किल किया उसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और हमको जवाब चाहिए, और जवाब इस बार माननीय उच्च न्यायालय के संवैधानिक दायरे में हमको मिलेगा, हमको पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है आपको जवाब देना होगा, क्योंकि एक एक चीज का मैंने ड्राफ्टिंग लगाया है और एक एक चीज का मैंने डोजियर लगाया, और उस डोजियर में कई सारे से लूप पोल है, आपके कई सारे से कमियां हैं जो आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंसेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी याद रखिएगा। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि न्यायालय पे, उस उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और अब केस भी फाइल कर दिया गया है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरा भरोसा है कि न्याय उन्हें जरूर मिलेगा, उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है, आशा है, भरोसा है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं?